नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर भी आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रूपक ताल की दो तिहाइयां और एक लग्गी। एक लग्गी और तिहाई साथ की है, एक तिहाई आपको अलग से बता दूंगा। तो क्योंकि रूपक में काफ़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को बजाने में, थोड़ा ज़्यादातर तिहाइयाँ या लग्गी जल्दी से ईजिली नहीं मिल पाती है या जल्दी से कोई बताता नहीं है, या आपको कई बार जब आप रूपक बजाते हैं तो रूपक के साथ संगत करने में काफ़ी सारे मतलब जो नए स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हमें ठेके का अच्छे से रियाज करना है। जब ठेका हमारी समझ में आ जाए, उसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि गाने के साथ आप ठेका भी बहुत अच्छे से बजा पाएँ, तो उसके बाद लग्गियाँ या तिहाइयाँ आप उसके बाद धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं। पहले कमरे पर रियाज करें, काउंटिंग करें, एक एक बोलों को अच्छे से बिठाएं उंगली पर, फिर उसके बाद उसको गाने के साथ मैच करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की वीडियो में सीखने वाले हैं हम। सबसे पहले मैं आपको लग्गी और वो उसकी तिहाई, फिर लास्ट में एक तिहाई अल्टरनेट और बता दूंगा, जिसको कि आप रूपक ताल जब भी आप बजाएं तो उसके साथ आप आसानी से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं नंबर साइड में दिया गया है, आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे जल्दी रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि कॉल कई बार में प्रोग्राम में होने के कारण रिसीव नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारी लग्गी है ये एक्चुअल में कहरवा ताल में भी बताई थी मैंने, धातिट धनाते तिट ताता तिट। इसमें थोड़ा सा रूपक के हिसाब से उसको मैंने डिजाइन किया है, धतिट धातिट धनाते तिट ताता तिट, धतिट धनाते तिट तातिट धनाते धिट, धातिट धनाते तिट ताता तिट, धातिट धनाते तिट धतिट धनाते धिट, धातिट धनाते तिट ताता तिट धाती धा, धातिट धनाते तिट ताता तिट धाती धा, धातिट धनाते तिट ताता तिट धाति ता। अब इसको स्लो में देखेंगे, धातिट धनाते तिट ताता तिट। ठीक है, पहले केवल शुरू के तीन मात्राएं वाले बोल देखें, धातिट धनाति तिट ताता ती। ठीक है, ती उल्टा वाला तिट लगेगा, देखिए धा ती ट धा ना ती ती ट ता ता ती ट। फिर उसके बाद धा ती ट धा ना ती ती ट ता ती ट धा ना ती धी ट। ठीक है, लास्ट टाइम ये पूरा फ्रेज था। ठीक है, कैसे धा तिट धनाते तिट ताता तिट, धा तिट धनाते तिट ता तिट धनाते तिट। ठीक है, ये पूरा है। अब इसको स्लो में देखें, धा ती ट धा ना ती ती ट ता ता ती ट। फिर धा ती ट धा ना ती ती ट ता ती। ठीक है, अब देखो जब खाली वाला जब पार्ट बजेगा इसमें समझना आपको इतना है कि जैसे धा तिट धनाते तिट ताता तिट, एक बार तो क्या है तीन मात्रा में, फिर धा तिट धनाते तिट तातिट धनाते धिट जो कहरवा वाला था लास्ट में, फिर वो बजाया तो ये पूरा लग्गी का रूप ले लेगी, एकदम रूपक ताल में फिट बैठेगा। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको थोड़ा समझना है, इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें करना मुश्किल होती है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर आपके समझ में आएगा तो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। देखें थोड़ा हल्की सी स्पीड में, धा ती ट धा ना ती ती ट ता ता ती ट, धा ती ट धा ना ती ती ट ता ती ट धा ना ती धी ट, धा ती ट धना ती ती ट ता ती ट धा ता ती ट धना ती ती ट ता ता ती ट धा ती ट धना ती ती ट ता ती ट धना ती ता ती ट धना ती ती ट ता ता ती ट धा ती ट धना ती ती ट ता ती ट धना ती ती ट। ये हो गया, इसकी जो तिहाई बनेगी मैं समझा दूंगा, तिहाई लिखी हुई है, एक ही बार लिखी हुई प्लस तीन कर दूंगा, उसको तीन बार बजेगी। ठीक है, तो बोल है धा ती ट धा ना ती ती ट ता ता ती ट धा ती धा।
ठीक है, धाति धाति ट धनाति तिट ताता तिट धाति धा धाति ट धनाति ठीक है, धाति ट धनाति तिट ताता तिट धाति धा धाति ट धनाति तिट ताता तिट धाति धा धाति ट धनाति तिट ताता तिट धाति का ते ता तिट धी धी धाना धाति ट धनाति तिट ताता तिट धाति ट धनाति तिट ताता तिट धनाति तिट धाति ट धनाति तिट ताता तिट धाति ट धनाति तिट ताता इस तरीके से ये बजेगी तिहाई। अब तिहाई के बोल देख लेते हैं, धा टी ट धा ना टी टी ट ठीक है, ता ता टी ट ता ता ती टी, फिर उसके बाद धा टी धा एस ठीक है, इस टाइप से लेना है। धा शुरू के तीन मात्राएं वैसी है जैसे लग्गी में है, धा ते ट धना ते ते ट ता ता ते ट, यही बोले धा टी धा। धा आपने हल्का सा ऐसे लेना, जब धा टी थपकी से और फिर धा धा तिट धना तिट ता ता तिट धा तिट धा धा तिट धना तिट ता ता तिट धा तिट धा धा तिट धना तिट ता ता तिट धा तिट धा। कोशिश की आपको समझाने की, अच्छे से समझिए बोलो को, उसके बाद आप बजा सकते हैं, काउंट कर लीजिए पहले। अच्छा, दूसरी वाली एक तिहाई और अल्टरनेट तिहाई वो मैं बता देता हूँ आपको, जो कि आप सिंपल ठेके के साथ बजा सकते हैं। ता ते ता ते ट दे दे ना ना दे ता ते ता ते ट ते ता ते ट दे दे ना दे ना ना दे ता ते ता ते ट दे दे ना दे दे ना ना दे ता ता ते दे। देखिए तिहाइयों का क्या होता है कि जैसे आपने पूरा पूरा बजाया, सम से सम तक की तिहाई है, किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट धाती धा तक तेरे किट तक तेरे किट धाती धा तक तेरे किट तक तेरे किट धाती धा, तो ये भी पूरी मतलब मात्राओं में आएगी, लेकिन सम से शुरू करना है, सम से आधा मात्रा से शुरू नहीं है ये, ठेका पूरा बजाओ उसके बाद फिर तिहाई ठीक है। ता ते ता ते धी धी दाना धी धी दान तक तेरे किट धाती धा तक तेरे किट तक तेरे किट धाती धा तक तेरे किट तक तेरे किट धाती धा। सम मतलब जहाँ पर हमारा सम है उसी सम से हमने तिहाई भी शुरू करनी, फिर वो पूरा सम पे आएगा। तो बोल है तक ताया से काया से तक तेर किट तक तेर किट धा ती धा तक तेर किट तक तेर किट धा ती धा तक तेर किट तक तेर किट धा ती धा। ये सम आ गया ठीक है, काया बजाया काया बजाया तक तेर किट तक तेर किट तक तेर किट तक तेर किट, ये बोल है, फिर धाती धा तक तेर किट तक तेर किट ऐसे तक तेर किट तक तेर किट तक तेर किट तक तेर किट धाती धा तक तेर किट तक तेर किट धाती धा तक तेर किट तक तेर किट धाती धा। ऐसे बजेगा रूपक में, इस टाइप से आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा मैं बजा के दिखा देता हूँ। तैयारी के ऊपर है आप कितना बजा पा रहे हैं। इस टाइप से आप रूपक में कई सारी चीजें बजा सकते हैं, ये सेम बोल आप तबले पर भी बजा सकते हैं, तबले पर थोड़ा बजाने की टेक्निक अलग होती है, अगर आपको वो आती है तो इसको सेम बोल को आप अप्लाई तबले पर भी कर सकते हैं ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से रियाज करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल क्लासेस देता हूं मैं सभी को, ग्रुप क्लासेस में नहीं देता हूं ठीक है। और आगे आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट जरूर किया करें, और थोड़ा इसको आगे शेयर जरूर किया करें अपने दोस्त में जो सीखना चाहते हैं, अदरवाइज आप सभी को नहीं, जो लोग सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाया करें।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, रियाज करें तब तक अच्छे से। और सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, लास्ट में ही मेरे को बोलना होता है क्योंकि शुरू में अगर कोई स्किप करता है तो, कि प्रैक्टिस का एक तरीका होता है, आप एक लय में प्रैक्टिस करें। सबसे पहले ठेके को समझें, उसके ताले खाली सब समझ में आ जाइए आपको, उसके बाद उसमें लग्गियाँ लड़ियाँ तिहाइयाँ लगाई जा सकती हैं। अगर आप पहले ही उस चीज़ की कोशिश करेंगे तो आप या तो फिर गाने वाले को बाहर कर देंगे या आप खुद गाने से आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले सीधा सीधा ठेका बजाने की कोशिश करें, ये चीज़ें उसके बाद की होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय, टेक केयर।